स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन। लास्ट टाइम जो लेक्चर हमने स्टडी किए थे, जो पिछले चार पांच लेक्चर से, उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंट डिफरेंट जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस हैं उनकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो निकाल रहे थे। ठीक है, लास्ट टाइम जो आपको याद होगा हमने हेमिस्फेरिकल जो है शेल जो थी उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। ठीक है, अब हमारे पास ये वाला लेक्चर थोड़ा सा जो है लेंथी होने वाला है। इस लेक्चर में हम लोग दो तीन चीज़ें जो हैं वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और फिर गॉस लॉ के बारे में जो है इस लेक्चर में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होती क्या है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ज्योमेट्रिकली हमने समझना हो, ठीक है, हमें ड्रॉ करके बताना हो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ठीक है, तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ठीक है, जैसे कोई मान लो आपको कोई किसी चार्ज की को आपने ज्योमेट्रिकली शो किया कि ये जी पी पॉइंट पे चार्ज है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है ये बताने के लिए, और उसकी डायरेक्शन क्या है ये बताने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ है ना वहीं से शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। पहले मैं चलो थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो जो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी भी है हमें पता है। तो इसमें पास में जो मैं एरो बनाऊंगा वैसे बनाऊंगा एक ही लेंथ के, उसकी डायरेक्शन बताने के लिए, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने के लिए। इस पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनाऊंगा तो थोड़े छोटे बनाऊंगा, है ना, क्योंकि बाहर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, डायरेक्शन तो वही है लेकिन बाहर जाते जाते इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जा रहा है, इसलिए छोटे मैग्नीट्यूड के वेक्टर। और बाहर बनाऊंगा तो और छोटे, ठीक है जी। अब जब ये तो हमारे पास ये अलग अलग वेक्टर हो गए, अब अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ, सारे वेक्टर्स को जोड़ दूँ, इनको भी जोड़ दूँ, इनको भी जोड़ दूँ, तो जो हमारे पास रह जाता है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इन सारे वेक्टर्स को जोड़ के। लेकिन जब हमने वेक्टर को जोड़ ही लिया सारी लाइनों को, फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा कहाँ पे कम है, तो वो हम लोग क्या देखते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ कम होती है वहाँ पे कम, ठीक है, रिलेटिव। तो ज्योमेट्रिकली हमें बताने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी रीजन में किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज की वजह से क्या है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो है यूज़ करते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जो है जो माइकल फैराडे हैं उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले जो ये कंसेप्ट रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, भी हम देखेंगे कि वहाँ पे भी हम लोग जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऐसे, ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सबसे पहली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इसलिए देखिए ऑब्वियसली अब अगर आपके पास कोई बॉडी है उसके ऊपर चार्ज पड़ा तो आपको हवा में तो कोई लाइनें दिखाई नहीं देती ऑब्वियसली, है ना, ये बस ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच शोज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, किसी रीजन में, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर
नहीं पहले कुछ कोई और वाला लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर पॉजिटिव चार्ज स्टार्ट्स फ्रॉम द चार्ज एंड एंड्स एट इंफिनिटी। ठीक है, अगर हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो कहाँ से स्टार्ट होंगी? वो स्टार्ट होंगी, ये आपके पास चार्ज आ गया, ये आपके पास चार्ज आ गया, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक, अब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता ही है वो बाहर की तरफ को होता है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर को होंगी ऐसे, ठीक है, ये किसकी और कहाँ तक जाएंगी? पूरी इन्फिनिटी तक। ठीक है जी, ओके। इसके बाद अब जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है उसके लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड्स एट द चार्ज। तो अगर हम ये देखें कि जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, अगर हमारे पास, ठीक है, अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती हैं और कहाँ पे एंड होती हैं? चार्ज की तरफ को आती हैं। है ना, इधर को, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसमें एरो आपको बनाने हैं, कहाँ से? इन्फिनिटी से यहाँ तक जो है वो एरो जो है वो बनेंगे। ठीक है जी, चलिए जी, उससे अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दी टेंजेंट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट अ पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, ये यहाँ से जा रही है आगे आगे, तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मेरे को कोई पूछता बताओ जी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो किस डायरेक्शन क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाएंगे, वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? टेंजेंशियल टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स किसी भी पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, इस तरफ लिखता हूँ मैं, ठीक है, पॉइंट नंबर फोर, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, बिकॉज इफ दे डू देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर वुड बी
टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज नॉट पॉसिबल। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मान लीजिए आपके पास, हम मानते हैं कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो क्रॉस कर रही हैं ऐसे, ठीक है जी। एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये क्रॉस कर रही है। अब अगर आप देखो यहाँ पे, अगर ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पे अगर आपको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ तो की डायरेक्शन, एक तो यहाँ पे आ गई और एक यहाँ पे आ गई, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती, है कि नहीं। एक ही पॉइंट पे दो, अब आप कहीं जा रहे हैं, आप दो दो डायरेक्शन में एक साथ तो जा नहीं सकते ना, आप साउथ में भी जा रहे हो नॉर्थ में भी जा रहे हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो दो आएंगी अगर क्रॉस करोगे, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती, ठीक है जी। चलिए जी अगला। अगला है हमारे पास जो फिफ्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ कंडक्टर। अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस कंडक्टर के क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अब हम लेट करते हैं कि मान लीजिए आपके पास एक ऐसे करके कंडक्टर, और हर पॉइंट पे, एट एवरी पॉइंट। एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसमें हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो जो कंडक्टर है उसके ऊपर सारा का सारा चार्ज जो है वो कहाँ पे होता है, उसके सरफेस पे। ये इलेक्ट्रिक, ये कोई कंडक्टर है और उसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है ना। अब इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ, परपेंडिकुलर ये आएगा, इस पॉइंट पे ये आएगा, इस पॉइंट पे ये आएगा, मतलब हर एक पॉइंट कहीं भी किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा हर पॉइंट पे। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा विद द कंडक्टर, इसलिए कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके बारे में बाद में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों क्यों होगा ऐसा, ठीक है। उसके बाद दी इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग वेयर द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज मोर, एंड वाइस वर्सा मैं लिख देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी लिखना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी जो है वो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी कम है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। जैसे मैं खुद से ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी रीजन में किसी वजह से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सर्कल बनाता हूँ और यहाँ पे भी एक सर्कल बनाता हूँ उतने साइज का। अब अगर आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस जो पास हो रही है, मैंने मान लीजिए अगर आप इस रीजन में देखोगे, रीजन ए में, ये रीजन बी है, रीजन ए में रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है यहाँ पे कम है। अब आप ऐसा कभी मत बोलना यहाँ पे एक है यहाँ पे तीन है, क्योंकि
जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो तो कितनी भी बना सकते हो आप, ठीक है। हो सकता है कोई यहाँ पे ऐसे ही 9 लाइनें बनाता, लेकिन अगर यहाँ पे 9 लाइनें बनाता तो यहाँ पे जरूर एक की जगह 3 आती फिर, ठीक है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप क्यू चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बना रहे हो, और वो क्यू चार्ज के लिए अगर आपने 5 लाइन्स बनाई तो भाई 2Q के लिए आपको 10 बनानी पड़ेंगी, ये मतलब है इसका। तो इसलिए मैंने रिलेटिव लिखा था, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, उसके मुकाबले, ठीक है। बाकी ज्योमेट्रिक के लिए आप तो कितना भी बना सकते हो, हो सकता है आप अब एक ही लाइन मत बना लेना हर जगह, उससे पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितनी बना सकते हो, इसलिए वहाँ पे जो है वो रिलेटिव वर्ड जो है वो यूज़ किया हम लोगों, ठीक है। जहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और जहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी कम हो वहाँ पे कम। इसका ये मैं इसको यहाँ से भी समझा सकता हूँ। देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखो, इस रीजन में देखो, इस रीजन में मैं इतना सी जगह बनाता हूँ, इस रीजन में भी ऐसे इतनी सी बनाता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के पास ज़्यादा होता है, और वहाँ पे देखो लाइनें ज़्यादा घनी घनी हैं, और बाहर बाहर जाओगे तो कम कम है ना। तो यहाँ पे भी रिलेटिव डेंसिटी वाला कंसेप्ट जो है वो हमारा लग गया, है ना। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़, अब मैं और पेज ले लेता हूँ। अब चलिए, अब यहां पे एक और चीज आती है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एवरीवेयर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, देन देन इट इज कॉल्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है, अलग अलग है, तो हम उसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ ज़्यादा है बाहर कम है, यहाँ पे भी अगर हम देखें ये नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे कम है, और सॉरी यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और जहाँ पे क्या ना बोलते हैं, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना है तो उस क्या होगा, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होंगी, स्ट्रेट पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है जी, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर शो करना हो तो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस जो हैं वो आप बनाइए विद एरोज, एरो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। और ये नॉन यूनिफॉर्म है वो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाई दिया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सेम एवरीवेयर देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है जी। अब इसमें इसमें देखिए ऐसा है कि कई बार ऐसा भी होता है, अभी तो मैं कह रहा हूँ कि ठीक है जी डिस्टेंस के हिसाब से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हो सकता है टाइम के साथ साथ चेंज हो जाए, है ना। तो टाइम के साथ साथ भी चेंज हो रहा है तब भी उसको नॉन यूनिफॉर्म ही बोलेंगे, ठीक है। ओके, ये भी हो गया। उसके बाद अगला पॉइंट हमने किए थे 6 पॉइंट, ठीक है। सातवां पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट पास थ्रू अ मेटेलिक कंडक्टर, किसी भी मेटेलिक कंडक्टर को पास नहीं करती, पास मतलब आर पार नहीं करती,
उसके सरफेस पे तो हमने देखा ही ये होती है, लेकिन आर पार नहीं जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी, पास थ्रू है मेटालिक कंडक्टर, ठीक है जी। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप्स कभी भी नहीं बनाती, ठीक है जी। वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, मैं लिख देता हूं, इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। अब आप बोलोगे कि जी सिंगल चार्ज जो था तो क्या, तो हम देखिए जब पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास खाली, तो हम मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज जो है वो कहाँ पे, वो इन्फिनिटी पे, तो नेगेटिव चार्ज इन्फिनिटी पे मानते हैं, तो इसलिए उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को जा रही हैं पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। इसका मतलब कभी भी ऐसे करके गोल, अगर मान लो कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बताया हुआ है ऐसे, ये गलत है जी, कभी नहीं हो सकता ऐसा। कई कई बार एक बार यही में इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ रखा है कि हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉसिबल है और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और इसकी एक और वजह है, दिस इज बिकॉज चार्ज की पोलैरिटी होती है, पॉजिटिव चार्ज भी होता है नेगेटिव चार्ज भी होता है, इसलिए वहाँ पे हो सकता है। आगे आप मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ोगे, वहाँ पे देखोगे वो हमेशा क्लोज लूप ही बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड कभी भी जो है वो मतलब वहाँ वो हमेशा क्लोज लूप बनाता है, वो एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह पर ख़त्म नहीं होता, वो जहाँ से शुरू होता है वहीं से ख़त्म होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। उसके बारे में बाद में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब अगर हमारे पास डाइपोल है, फॉर अ डाइपोल, अगर डाइपोल की बात करें, और डाइपोल कैसा होता है, डाइपोल हमने देखा ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये ऑब्वियसली लाइन इसको कनेक्ट कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलती हैं, स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड सेट नेगेटिव चार्ज, स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज एंड सेट नेगेटिव चार्ज, ऐसे ही होता है। ठीक है जी, ठीक है जी, ये किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन किसकी आ गई, एक डाइपोल की, ठीक है। डाइपोल के लिए हम ये ऐसा बना सकते हैं, और देखिए यहाँ पे कोई भी अब आप ये मतलब बोलना कि यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से अगर ये यहाँ से शुरू होके लूप बनाती तो ये डायरेक्शन ऐसे उल्टी नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। और लाइंस कितनी बनानी है, वो कितनी भी बना सकते हैं भाई, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, ठीक है। बस रिलेटिव नंबर ऑफ लाइंस कहाँ पे ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास में ज़्यादा होगा, है ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इस तरफ लिखते हैं, टेंथ, फॉर लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस के लिए हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। अगर हम लाइक चार्जेस की बात करें तो मान लीजिए आपके पास दो पॉजिटिव चार्ज हैं यहाँ पे, एक ये पॉजिटिव चार्ज और एक ये भी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसकी अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनानी है तो सॉरी ये लाइन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, मेरे को मेरे से बन गई गलती से, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे आएंगी, इसकी ऐसे,
अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, यहाँ से चली जाएंगी, ठीक है, ये कहीं मिलेंगी नहीं, ये आगे इन्फिनिटी को चली जाएंगी, लेकिन मिलेंगी कभी नहीं, मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए अगर यहाँ पर देखोगे आप तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो डिफरेंट है दूसरे से, अगर हम बात करें, ठीक है, इसकी यहाँ से ये यहाँ से, ठीक है, इसको और आप क्लोज बना सकते हो और क्लोज, पर यहाँ पे कोई लाइन नहीं आएगी, ठीक है, ठीक है। हाँ, सेंटर में आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होना है, यहाँ न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है सेंटर में बिल्कुल जीरो ही होगा, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ इसके बारे में, कई बार कई टीचर्स भी वैसे ये बोल देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है कि अगर कोई चार्ज को छोड़े तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, गलत है, ठीक है। अगर मैं किसी चार्ज को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड, कई बोलते हैं जो बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का मतलब है कि वो पाथ बताएगा किसका, किसका, चार्ज का पाथ, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो लगती है वो कितनी होती है, F इज़ इक्वल टू क्यू ई होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी तो इसका मतलब फोर्स लगेगी इसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ पर रख दिया प्लस क्यू को। तो आमतौर पर टीचर कहता है कि ये वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, वो बिल्कुल ये वाला पाथ फॉलो करेगा, पर नॉट इन ऑल केसेस, ठीक है। अगर तो ये रेस्ट पे होगा ये पाथ फॉलो करेगा, अगर ये रेस्ट पे नहीं होगा तो ये वो ये पाथ फॉलो नहीं करेगा, ठीक है जी, वो अलग पाथ फॉलो करेगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ, मान लीजिए इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, नेगेटिव चार्ज इधर होगा। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रख दूँ, छोड़ दूँ, तो क्या करेगा, सॉरी नीचे वाली तरफ को आएगा, है ना, उसको फोर्स नीचे वाली तरफ को लगेगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, लेकिन ये रेस्ट पे होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसी लाइन के अलॉन्ग मूव करेगा। लेकिन मान लो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से छोड़ रहा हूँ, इधर से वेलोसिटी से, तो क्या वो ऐसे चलना पड़ेगा, ऐसे करके ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ऐसे करके जा ऐसे नहीं जाएगा एकदम से, वो क्या करेगा, ऐसा होगा उसका पाथ, वो उसने ऐसा पाथ इसलिए लिया बिकॉज अगर देखो एक तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन ही है ये भी, है ना, इसलिए पाथ इसलिए लिया क्योंकि उसको स्टार्टिंग में उसके पास इनिशियल वेलोसिटी थी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लॉन्ग नहीं गया, उसको फोर्स जरूर लॉन्ग लगी लेकिन उसका मोशन कहीं और था, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। हाँ, रेस्ट पे तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है, ओके जी, ये तो हो गया एक कंसेप्ट जो है ख़त्म हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। अब अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारे पास, मैं यहीं से लिखना शुरू कर देता हूँ, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया नॉर्मली। हम नॉर्मली जब हम बोलते हैं नॉर्मली वो नहीं नॉर्मल है, ना ना, नॉर्मली का यहाँ पे मतलब है कि परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, या पर्टिकुलर एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास कर रही हैं नॉर्मली परपेंडिकुलरली, ठीक है, ठीक है। अब
मान लेते हैं हमारे पास कि एक एरिया है, ये एक एरिया है। अब आमतौर पे एरिया है तो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन मैंने आपको पहले भी 11th में भी बताया था कि हम एरिया की आउटवर्ड अगर इनवर्ड करके ऐसे कुछ बात करें कि इनर एरिया और आउटर एरिया, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ जी आउटर एरिया की डायरेक्शन इधर को है और इनर की इधर को है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो आउटर एरिया पे नॉर्मल होता है ना, उसकी डायरेक्शन को किसकी डायरेक्शन मान लेते हैं, एरिया की डायरेक्शन। तो ये हो गया डी एस एन कैप, या डी एस कैप भी लिख सकते हो उसको, और डी एस वैक्टर भी लिख सकते हो। तो ये एरिया की डायरेक्शन होगी, उसमें से हम छोटा सा एरिया माना डी एस। अब मान लो ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, तो अगर नॉर्मली बात करें और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, वो एंगल लेट करते हैं थीटा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एरिया। अब अगर एरिया ऐसे की बजाय ऐसे होता तो डीएस की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के लॉन्ग होनी थी, तो उसमें से फ्लक्स पास करनी थी। अगर मैं उसको ऐसे रख देता एरिया को, है ना ऐसे, तो उसमें से तो कोई फ्लक्स ही नहीं पास करनी थी। तो इसका मतलब फ्लक्स इस बात पे भी डिपेंड कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में कितना एंगल है, इसलिए वहाँ पे नॉर्मली जो है लिखा हुआ। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये लेटर होता फाई, फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इट इज़ इक्वल टू, अगर मैं डी फाई छोटा फ्लक्स डिफाइन करूँ वो होगा ई डॉट डी एस, ठीक है, जो छोटे एरिया में आ रहा है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे को पूरा निकालना है इसमें, पूरे एरिया में, तो हम इंटीग्रेट कर देंगे सिंपल, है ना। तो इसका मतलब फाई ई जो होगा वो किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन सरफेस वाली ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे मैंने एस इसलिए लगाया क्योंकि सरफेस है और टू डायमेंशनल है, इसलिए लिखा यहाँ पे। वो कैसे सॉल्व करते हैं वो इजी है, बाद में देखेंगे, ठीक है। ठीक है जी, अब इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे बोल सकते हैं आप स्केलर क्वांटिटी है, हम जी ऐसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो हमेशा एक स्केलर ही होता है, ठीक है। यूनिट इसके देख लेते हैं, यूनिट क्या है, यूनिट है जी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है फोर्स पर कूलम, और एरिया का, ओ सॉरी, न्यूटन पर कूलम, और एरिया क्या होता है मीटर स्क्वेयर, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वेयर कूलम इनवर्स, ये इसका यूनिट आ गया, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी देख लिया हमने, इजी था, इजी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हमारे को क्या होता है कि जो पेपरों में जेई मेंस में, या अगर आप इसकी बात करें अपने बोर्ड के पेपर्स की, इन सभी में अगर हम देखें तो फ्लक्स के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है जी। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है, जो एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है फ्लक्स के ऊपर, उनमें से एक दो क्वेश्चन जो है हम लोग करेंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, दूसरे पेज पे आ जाते हैं हम। न्यूमेरिकल नेक्स्ट लेक्चर में हम और न्यूमेरिकल करेंगे, पर फिलहाल एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक क्यूब है, एस्केर क्यूब है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट आई कैप, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की डायरेक्शन में, ई नॉट आई कैप है, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, ठीक है जी।
अब हमें वो कहता है फाइंड दी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब, क्यूब के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएस। अब डीएस है तो एरिया है कितने इसके, इसके तो 6 फेसेस हैं, तो 6 के 6 के एरिया, वो 6 के 6 का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना पड़ेगा उस एरिया पे कितना है। मान लीजिए इसकी साइड जो है वो ए है, तो एरिया तो पता चल गया कि ठीक है, एरिया ऑफ ईच फेस इज ए स्क्वायर, मिल गया। लेकिन डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे इनको नाम देता हूँ, ये फर्स्ट फेस था इसकी डायरेक्शन इधर को, ये सेकंड फेस था इसकी डायरेक्शन ऊपर को, ये थर्ड फेस था इसकी डायरेक्शन यहाँ पीछे को, ये फोर्थ फेस था इसकी डायरेक्शन नीचे को, थर्ड लिख देता हूँ, ये फोर्थ, ये फिफ्थ है जो पिछला पिछला फेस इसकी डायरेक्शन इधर को, और ये सिक्स्थ जो हमारी तरफ को है इसकी डायरेक्शन इधर को, सिक्स्थ ये छेमा और ये पिछला वाला पांचवा, ठीक है। सारे फेस हो गए, सबका एरिया सेम है लेकिन डायरेक्शन सबके अलग अलग है। इस फेस की डायरेक्शन एक्स एक्सिस के, इसकी वाली माइनस एक्सिस की तरफ, इसकी अपर, इसकी लोअर, इसकी इधर, इसकी इधर, ठीक है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, जो सरफेस इधर लिखता हूँ, सरफेस कौन कौन सा, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। सेकेंड कौन सा, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये जो इधर को आ रहा है सिक्स्थ, और ये परे आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, देख सकते हो आप, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर सारे के सारे 90 डिग्री बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 cos 90 0, ठीक है। तो इनकी वजह से तो 0 हो जाएगा। अब बचे हमारा पहला और तीसरा फेस, ठीक है। सो ऐसे लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस वन के थ्रू अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें, ठीक है, वो क्या आ जाएगा, फाई ई वन लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पे कांस्टेंट ही है तो उसको बाहर लिख देता हूँ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये भी इधर को, ये भी इधर को, 0, तो ये आ जाएगा डी एस, ठीक है। और इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ई नॉट ए स्क्वायर, और कोई डायरेक्शन नहीं होगी फिर बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फेस टू पे देखें, अगर हम, अब देखिए फेस टू जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को है और फेस टू कहाँ को है, पीछे को, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, और कॉस 180 क्या होता है, कॉस 180 होता है -1, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सरफेस ही है ऑब्वियसली, ई डी एस कॉस 180 डिग्री, यहाँ मैंने लिखा नहीं कॉस, यहाँ पे लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नॉट है और कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लो, कॉस 180 क्या होता है, -1, माइनस बाहर लिख लो, और आ गया डी एस, कितना बना, -E0, डी एस की इंटीग्रेशन करोगे तो सरफेस ही आएगा ना, तो ई नॉट के, तो टोटल फ्लक्स क्या होगी, टोटल फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई नॉट ए स्क्वेयर -E0 a² और वो क्या आ गई, 0, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स क्यूब के थ्रू क्या है, 0। इसका मतलब ये है कि जितनी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंटर कर रही हैं उतनी बाहर भी जा रही है, तो ऐसे को कहते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0, ठीक है जी। तो आज हम यहीं करेंगे, यहीं तक, तो अगला लेक्चर जो है मैं परसों आपको सेंड करूँगा, वो इससे शायद तो और बड़ा हो, तो वो हम करेंगे परसों, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पे और चीज़ें डिस्कस करेंगे और गॉस लॉ के बारे में और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी।